हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं दीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉय राइड विद दीप। काफी देर के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूं, थोड़ा बिजी जा रहा था इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया। आज है 7th of March, तो ऑलमोस्ट हमारी कार को आज एक साल होने वाला है। लास्ट मार्च को मैंने कार ली थी, 17th of March को शायद ली थी मैंने, तो आज इसकी फर्स्ट पेड सर्विस है। तो आज इसको मैं एजेंसी में लेके जा रहा हूँ। एक तो इसकी हमने फुल डेथ कैप जो इंश्योरेंस होती है वो करवानी है, वो खत्म होने वाली है। एक इसकी आज फर्स्ट पेड सर्विस है वो भी करवानी है। तो आज एजेंसी में जाएंगे, देखेंगे कि फर्स्ट पेड सर्विस में वो आपको क्या कितना चार्ज करते हैं और कौन कौन सी चीज वो चेंज करते हैं। जैसे इसके जो वाइपर्स हैं उसके ब्लेड्स भी चेंज करवाने हैं। तो देखते हैं कि आज टोटल कॉस्ट कितनी आती है इसकी सर्विस की, और इंश्योरेंस जो हमने करवानी है उसकी कितनी कॉस्ट आती है, ये सारा कुछ कवर करेंगे आज इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद माय वीडियो, पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं एजेंसी में, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं एजेंसी में, तो रास्ते में ना टोल प्लाजा आया तो मुझे ना एक बात याद आ गई कि कई जगह तो ये फास्टैग एक्सेप्ट करते हैं, कई टोल प्लाजा में फास्टैग है वो मानते ही नहीं, कहते यहाँ पे हमारे फास्टैग चलते ही नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते, आप पर्ची कटवाओ। तो मतलब वो अपने रेट से, जैसे सिंगल चाइल्ड की 90 रुपीज, आने जाने की 180, अपनी मर्जी से उन्होंने रेट बनाए हुए हैं और वो पर्चियां काट रहे हैं। तो भी मेरे को इस चीज में समझ में नहीं आता कि ये फास्टैग जब ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है तो कुछ टोल प्लाजा पे क्यों नहीं चल रहा। अगर आप लोगों को इसका कारण पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जलंधर। मैं इस टाइम हूँ फगवाड़ा रोड पे और हम जा रहे हैं प्रेस्टीज होंडा अपनी कार की सर्विस करवाने। तो अभी हम जस्ट करेंगे एंटर एजेंसी में, लगेगा कोई 3-4 मिनट, बस पहुंच ही गए हैं। तो अगर सर्विस कराते कराते अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे टाटा हैरियर वालों से बात करने, क्योंकि मैं बीच में सोच रहा हूँ कि टाटा हैरियर ली जाए। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी टाइम फिलहाल हो चुका है 12 बजने में, अभी 5 मिनट हैं। 12 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, ये आ गए हम होंडा प्रेस्टीज होंडा में, साथ ही साथ टोयोटा का शोरूम है। तो ये पड़ती है फगवाड़ा हाईवे में, जब आप जलंधर से फगवाड़ा जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलती है लाली मोटर्स। ये आगे लाली मोटर्स, निकलो चलो भाई चलो, प्रेस्टीज होंडा। और ये जो सामने आपको फोन पे बात करते हुए दिख रहे हैं, ये हमारे भुवनेश भैया हैं जिनसे हमने कार ली थी। और भैया कैसे हो आप व्लॉग में हो, से हाय टू एवरीवन। एक सेकंड, ये हमारे भुवनेश भैया जिनसे हमने कार ली थी, वो अभी थोड़ा बिजी है, हम बाद में आपसे बात करवाते हैं। भैया आपने एक बात नोट की, राकेश भैया होंडा की एजेंसी में पीछे थार खड़ी हुई है। ये ऐसा भी होता है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, अब करते हैं सर्विस की बात इनके साथ, तो लेट्स गो। अभी मैडम आ रहे हैं, मैडम से करेंगे बात। सर्विस 12 बजे की थी, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो भैया अभी काम कर रहे हैं सर्विस के रिगार्डिंग, ये सारा कार वगैरह चेक कर लेंगे, कार में कोई डेंट वेंट तो नहीं है। तो भैया कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्स, जैसे 12 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मुझे डिलीवरी कब मिलेगी? आधे घंटे का लंच ब्रेक, 3:30 बजे होता है। हाँ आधे घंटे का लंच ब्रेक, तो 3:30-4 बजे ऑलमोस्ट हम फ्री हो जाएंगे। तो वैसे तो टाइम से डिलीवरी मिल ही जाती है। तो भैया जैसे मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट ये जो है पेड सर्विस होगी, तो अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग, एक आइडिया सा होता है जो विद बैलेंसिंग लाइन लाइन 7.5-8 हज़ार के आसपास एस्टिमेट। ठीक है। और भैया जैसे ये अभी 19,000 किलोमीटर रन कर चुकी है, तो मेरे को किसी ने कहा था कि इसके जो टायर्स हैं वो स्वॉप कर लेने चाहिए आगे पीछे। सर जब लास्ट टाइम ना सर्विस बैलेंसिंग रोटेट हुए हैं अपनी गाड़ी के, ओके 10 ईयर, तो वहाँ पे आज भी करेंगे। ठीक है जी, तो उसकी जो आप करते हो बैलेंसिंग करते हो उसके चार्जेस अलग पड़ते हैं? बैलेंसिंग लाइन लास्ट टाइम भी लगे।
तो उसके क्या चार्जेस हैं सर? 1500 व्हील बैलेंसिंग है, दोनों सर, अलाइनमेंट बैलेंसिंग टायर रोटेशन। अच्छा 1500 उसके चार्जेस, ठीक है। तो वो फिर वो आगे आगे पीछे भी टायर्स करते हैं कि नहीं? क्रॉस करते हैं, ठीक है भैया। सो गाइज, लास्ट टाइम में जब आया था थोड़ा इशू हो गया था मेरी कार को लेके, और यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज़ को लेके, और मेरी प्रॉब्लम को विद इन लाइक एक दिन में सॉल्व करवा दिया था उन्होंने। तो मैं इसलिए स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा उनका। ये सर अपना नाम बताइए। माय नेम इज अजीत सर। सर जी का नाम है अजीत, ये प्रेस्टीज होंडा में एज सर आप मैनेजर होंगे? यस सर, सर्विस हेड में जहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये सर्विस हेड में मैनेजर हैं। तो मेरी कार को थोड़ी सी कोई उसमें इशू आ गया था, तो सर ने वो एक दिन में मेरे को प्रॉमिस करके कहा था कि सर आपको कल कार रेडी मिलेगी। तो सर ने जैसे अपने अपनी लाइक जैसे सर ने बोला वही करके दिखाया, एक दिन में वो मेरी कार ठीक हो गई थी। तो इस ब्लॉग में मैं स्पेशली सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम बंदे होते हैं जो लाइक अपने कस्टमर्स को इतने अच्छे तरीके से डील करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो सर उनमें से एक हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो सर गाइस, सर्विस के लिए कार मैंने दे दी है, तो अभी वो पहले उसको वॉश वगैरह करवाएंगे, बाद में सर्विस करेंगे। अभी हम चलते हैं इंश्योरेंस करवाने और देखते हैं क्या कॉस्ट बैठती है। अभी तक इन्होंने जो सर्विस का बिल बनाया 10,000 के आसपास बनाया हुआ है, जिसमें एसी की सर्विस, कार की जो अलाइनमेंट वगैरह है सारी, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे है। तो अभी फिलहाल चलते हैं और देखते हैं इंश्योरेंस का सीन क्या है। तो गाइस अभी मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो जो डेथ कैप करवा रहा हूँ वो रिलायंस की है। उन्होंने मेरे को बताया जो यहाँ पे सर हैं कि 25,000 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा फॉर एक साल के लिए। सर एक साल के लिए, तो इसमें वो कार का इंजन और कार की जो फुल लाइक बॉडी है या इसकी जो कीज़ हैं ये सारी कवर्ड होती हैं। तो इन सब की कॉस्ट 25,000 रुपये है। तो इसमें दो तीन ऑप्शंस थे, एक रिलायंस का था सर, दूसरी कौन सी कंपनी थी? फ्यूचर। मतलब फ्यूचर की थी सर, वो कितने में पड़ रही थी? फ्यूचर की पड़ रही थी 30,000। ओके, रिलायंस की जो है वो पड़ेगी 25,000। 25,000। तो गाइस अभी फिर मैं रिलायंस वाली करा रहा हूँ। तो एक कार की वैल्यू डल जाती है, अगर कार टोटल लॉस हो तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट फिर आपको मिल जाता है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि एक साल के बाद आप अपनी ये फुल डेथ कैप वाली इंश्योरेंस करवा लें। सो गाइस अभी हूँ मैं वेटिंग रूम में, अभी हम करेंगे वेट, कार की सर्विस हो रही है। तो फाइनल कॉस्ट जो है वो आपको बाद में बताएंगे। इंश्योरेंस की जो हुई है वो है 25,000 रुपये में हुई है, जिसमें आपको फुल इंश्योर्ड सभी की से लेके इंजन और बॉडी पार्ट्स वगैरह सारे इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस सबकी मिली हुई है 25,000 में। नॉट बैड। फिर कई लोग इसको कंपेयर करेंगे कि आपने पॉलिसी बाजार से क्यों नहीं देखी या किसी और से क्यों नहीं ली। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बाद में इंश्योरेंस को क्लेम करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने जो इंश्योरेंस है वो एजेंसी से ही करवाई है। तो जैसे आप देख सकते हो कि पीछे हमारी कार की सर्विस होनी शुरू हो गई है, तो बस आगे देखते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। वैसे इनकी अगर हम इनकी जो अगर डीलिंग की बात करें तो ये कस्टमर को मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे को अटेंड किया है। और जैसे मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि मैं आज से नहीं 15 साल से इनकी लाली मोटर्स जलंधर का मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनका इनके एजेंसी से मैं अपनी कार की सर्विस करवाता था। मेरे पास 2007 मॉडल की होंडा सिटी थी, यहीं से ली थी, सारी सर्विस भी यहीं से करवाई थी उनकी। तो अभी भी न्यू कार भी इन्हीं से ली है। तो सर्विस के मामले में तो काफ़ी अच्छे हैं, कस्टमर को काफ़ी अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो सब अच्छा जा रहा है, सब अच्छा है, सब ठीक है। तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट कॉस्ट जो आती है न्यू कार की, फर्स्ट जो पेड इसकी सर्विस है वो कितनी आती है, वो इसका जो टोटल एग्जैक्ट अमाउंट है और क्या क्या चीज़ जली हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में जब कार की सर्विस हो जाएगी। सो गाइस टाइम हो गया 2 बजे ऑलमोस्ट, और हमारी कार सर्विस के लिए लग गई है। बीच में लंच ब्रेक हो गई थी जिसके कारण टाइम थोड़ा लग गया। अब हमारी कार सर्विस वे पे लगी हुई है, देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है, पूछते हैं कि यहाँ से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं वो। तो अभी
करने लगे हैं कार की जो व्हील बैलेंसिंग है, अभी इनके टायर्स वगैरह चेक करेंगे बाद में। इसके बाद इसके फिल्टर वगैरह चेंज होंगे, ये बैलेंसिंग हो रही है व्हील्स की। सो गाइस अभी फाइनली हो रहा है कार का अलाइनमेंट, तो ये मशीन में लगा दी है मेरी कार। अब ये सारे टायर्स की अलाइनमेंट चेक करेंगे। गाइस फाइनली अभी हम हैं कार के अंदर, अभी भैया चेक करेंगे इसकी अलाइनमेंट, तो रूट टेस्ट के लिए जा रहे हैं अभी। भाई हम तो सेट लादा काम मैं कि हम तो सेट लादा काम जल्दी है गाड़ी। सो गाइस फाइनली जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अलाइनमेंट की, वो भी अब ठीक लग रही है। अब कार कहीं पे भी इधर उधर नहीं जा रही और काफी इसका बैलेंस ठीक लग रहा है। सो गाइस टाइम हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी सर्विस हो चुकी है। अब सबसे खतरनाक वाला पार्ट है बिल वाला, तो भैया अभी बिल बना रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं कितना अमाउंट बना है, क्या क्या सर्विस में क्या क्या कवर किया गया है, सभी भैया से पूछते हैं और देखते हैं कितना बिल बना है। सो गाइस फाइनली मेरा बिल आ गया है, ये रहा मेरा बिल, और मेरा बिल बना है अप्रॉक्स 10,000 रुपये। इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भैया आपको बताएंगे। सो सर आप बता सकते हैं 10,000 में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या हुआ है मेरी कार के साथ सर्विस? तो मेंटेनेंस सर्विस हुई है जी गाड़ी की, ठीक है जी। इंजन ऑयल रिप्लेस हो गया, ऑयल फिल्टर, गेयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ग्रेनाइट वॉशर, ठीक है सर। व्हील अलाइनमेंट हो गई है, ठीक है। बैलेंसिंग, टायर रोटेशन हो गई है, ठीक है जी। ब्लोअर की क्लीनिंग हो गई है सर, ठीक है। इंजन प्रोटेक्शन हो गई है, ठीक है। ऑल डोर लुब्रिकेशन हो गई, ठीक है जी, ठीक है। सर अपना रोड साइड असिस्टेंट हो गया, ठीक है। प्लस इसमें रोड साइड असिस्टेंट भी है 1 साल का, तो इसका अमाउंट 10,000 बना हुआ है। तो जो मेरी नेक्स्ट सर्विस है वो 1 साल बाद होगी सर, विच इज़ 10,000 किलोमीटर, ठीक है। 1 ईयर विच इज़ अर्लियर सर, जो पहले आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे चाहे 30,000 किलोमीटर हो जाए या 1 साल हो जाए, जो पहले हुआ वही। तो 1 साल में इतना अमाउंट वेरी रीजनेबल, बहुत जेन्युइन है। तो ये है हमारी कार आफ्टर सर्विस। हाँ ये तो कुछ ब्रांड न्यू जैसी लग रही है। सो गाइस जो अमाउंट बना था वो 10,900 रुपये बना था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपये बना था, तो जो कि 1 साल की सर्विस के लिए ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सर्विस अभी 1 साल बाद होगी, 30,000 किलोमीटर के बाद होगी। मतलब हर 10,000 सर्विस के बाद, हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है। यहाँ तो जो पहले हो जाए, 10,000 किलोमीटर अगर मेरी कार ने पहले रन कर लिया तो मुझे सर्विस करानी पड़ेगी, अगर 1 साल के बीच में 10,000 किलोमीटर नहीं हुए तो भी मेरी कार को 1 साल बाद सर्विस करानी पड़ेगी। तो 1 साल के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल रेट है इनके, और सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ के जो डिपार्टमेंट था, चाहे कोई भी, उन्होंने अच्छी तरीके से हमें मतलब कि हमारा ध्यान रखा पूरा, और अच्छे तरीके से हम अटेंड किया, और सर्विस भी जैसे मैंने सारी सर्विस आपने देखी होगी, अब पास खड़े रह के मैंने अपनी कार की सर्विस करवाई। कई जैसे बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप
शूट नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते। मुझे ऐसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, स्टाफ बहुत ज़्यादा ही वो मतलब कोऑपरेट कर रहा था और मतलब मुझे शूट करने की पूरी परमिशन दी थी। तो ऑल ओवर जलंधर में जो लाली वाले हैं, होंडा वाले, अपना लाली मोटर्स होंडा, उनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। सो ये था आज का व्लॉग मेरी कार की सर्विस के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।